मैं कपिल कांत शर्मा एक बार पुनः आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस विद कपिल पर बहुत स्वागत करता हूँ। कोरोना काल में बहुत ही बड़ी खुशखबरी आई है 2013 बैच के लिए यूपी पुलिस वालों के लिए। क्या है देखिए, 15 जुलाई 2020 का ये नोटिफिकेशन है और क्या है पूरी जानकारी देख लेते हैं। क्या है यहाँ पर विषय है, माननीय उच्च न्यायालय में आयोजित आशीष कुमार यादव एवं अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में दिनांक 24/7/2019 में पारित आदेश के अनुपालन में आरक्षी और समकक्ष पदों पर सीधी भर्ती 2013 के अंतर्गत आरक्षी नागरिक पुलिस पद पर चयनित 1895 में, देखिए 1895 में महिला पुरुष के चरित्र सत्यापन आरक्षी पद पर चयनित आरक्षियों को JTC जनपद आवंटित किए जाने के संबंध में, मतलब यहाँ पर JTC जिले जो हैं जनपद आवंटित कर दिए गए हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्या है, कृपया उपरोक्त विषय अध्यक्ष उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड लखनऊ, पत्र संख्या दी गई है उसके बाद और दिनांक है 20/8/2020 के अनुपालन के संदर्भ में इस मुख्यालय के समसंख्यक पत्र दिनांक 18/2/2020 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में आयोजित आशीष कुमार यादव एवं अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में दिनांक 24/7/2019 में पारित आदेश के अनुपालन में आरक्षी एवं समकक्ष पदों पर सीधी भर्ती 2013 के अंतर्गत आरक्षी नागरिक पुलिस पद पर चयनित 1895 चिकित्सा परीक्षण चरित्र सत्यापन कराए जाने का अनुरोध किया गया था। दूसरी बात कही गई है इसमें, इस संबंध में अवगत कराना है कि उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा उपलब्ध कराई गई सूची में अंकित चिकित्सा परीक्षण सत्यापन में उपयुक्त 154 महिलाएं तथा 1268 पुरुष अभ्यर्थियों को JTC जनपद आवंटित किया गया है। देखिए कुल मिलाकर महिलाओं को 154 को और यहाँ पर पुरुषों को किया गया है भाई 1268 को JTC के लिए जिला आवंटित, जिसकी सूची अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेक्षित है। उक्त सूची उत्तर प्रदेश पुलिस वेबसाइट पर भी दी गई है। और यहाँ पर तीसरी बात में अगर देखा जाए तो यहाँ पर क्या है, इस संबंध में अवगत कराना है कि उक्त अभ्यर्थियों की दिनांक 27, देखिए मेन बात यहाँ पर है, 27 जुलाई 2020 से JTC प्रारंभ होगी और उपरोक्त के संबंध में प्राथमिकता के आधार पर निम्नलिखित कार्रवाई पूर्ण की जाए, वर्दी तैयार करना, बैंक खाता खुलवाना, PNO आवंटित करना और प्राण खाता खुलवाना और साथ साथ नियुक्ति पत्र JTC जनपदों के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रभारी जनपद द्वारा जारी किया जाना। और चौथा यहाँ पर पॉइंट है, निर्देशानुसार अनुरोध है कि उपरोक्त संबंध में अपने स्तर पर अग्रेतर कार्यवाही तत्काल कराते हुए सर्व संबंधित को अवगत कराया जाए और इस मुख्यालय को और सूचित करने का कष्ट करें। और ये 15/7 की पूरी पूरी न्यूज है। आगे देखें, यहाँ पर ये पूरी लिस्ट दी गई है, क्या क्या है, सीरियल नंबर, रोल नंबर है, कैंडिडेट का नाम है, पिता का नाम है, मेल फीमेल है, कौन सा डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर दिया गया है, उपयुक्त है नहीं वो, और साथ ही साथ JTC जनपद कौन सा आवंटित किया गया है, यहाँ पर होम डिस्ट्रिक्ट कहाँ से बच्चा है और यहाँ पर है JTC जनपद जहाँ पर उसकी होनी है ट्रेनिंग, मतलब JTC होनी। तो ये पूरी 32 पेज की PDF है, 32 पेज की PDF है। इसका लिंक मैं आपको दे दूंगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पर जाकर आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं और अगर कोई भी सवाल जवाब है तो उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि भैया सभी को ये जानकारी प्राप्त हो जाए जो भी 2013 के ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका इसमें नाम है। तो उन सभी को यहाँ पर हमारी तरफ से बधाई और साथ ही साथ अभी तक के लिए इतना ही, नेक्स्ट अपडेट तक के लिए धन्यवाद।